एसोचैम ने एक रिपोर्ट निकाली कॉरपोरेट पे पिछले साल, और उस रिपोर्ट के हिसाब से 48% ऑफ कॉरपोरेट इंडिया इज सफरिंग फ्रॉम सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन. ये डिप्रेशन के सिम्टम्स के साथ भी कमाल कर रहे हैं. हैप्पी हो जाएंगे तो कितनी कमाल कर देंगे. द हैप्पीनेस, इफ यू टेक केयर ऑफ योर पीपल, यू विल नॉट नीड टू टेक केयर ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन. You will not need to take care of your organization. Your happy people will take care of your organization. आपको कभी ये डर नहीं होगा वो छोड़ जाएं कहीं और चले जाएं. जो खुश होगा, contented होगा, उसको अगर सामने से कोई और ऑफर आएगा भी तो वो दे जाएगा नहीं. वो सारे फैक्टर्स पर ध्यान नहीं रखना पड़ेगा. If we create a culture of happiness in the organization, क्या करना पड़ेगा उसके लिए? कैसे करें अपने लोगों को हैप्पी? उनको थैंक्स करना. हाँ जी हाँ, हमें उनकी नीड्स को समझना पड़ेगा, अप्रिसिएशन करना पड़ेगा. और एक चीज करते हैं, अपने पूरे कैंपस में, चाहे वो एक ऑफिस है 10 लोगों का, चाहे एक बहुत बड़ी फैक्ट्री है, चाहे ऑर्गेनाइजेशन है, उस पूरे ऑर्गेनाइजेशन में किसी को भी किसी को डांटना अलाउड नहीं. किस किस के ऑफिस में स्मोकिंग अलाउड है? स्मोकिंग भी अलाउड है ऑफिस के अंदर? तो वो भी नहीं अलाउड होना चाहिए फिर तो. मुझे लगा वो तो अलाउड नहीं है आजकल पब्लिक प्लेस में. नो, नॉट अलाउड. एवरी कैंपस, एवरी ऑफिस, एवरी ऑर्गेनाइजेशन शुड बी अ नो एंगर जोन. नो वन इज अलाउड टू गेट एंग्री विद एनीबडी. से वॉट यू हैव टू से, बट से इट विद रिस्पेक्ट. Say it with dignity of the other person. जैसे ही आप अपनी organization से anger का एक element निकालते हैं, तो fear का element, insult का element, hurt का element, humiliation का element, ये सारे हट जाते हैं. इन सारों को हटा दो, आपकी organization level की energy field बढ़ जाएगी. जब वो बढ़ जाएगी, लोगों के मन का सुकून बढ़ जाएगा. वो बढ़ जाएगा, वो शाम को happy जाएंगे.